ना चढ़ी आसीबे दुई भाई सत हेब मालिका जाई फुला मालिका। अरे हे ओ बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक महाप्रभु श्री जगतर नाथ जगन्नाथ श्री चरणारविंद तले अनंत कोटि दंडवत करी महापुरुष श्री अच्युत चरणारविंद तले शणपशी आपणकर अतिशय भल पाउथिबा आमर ए कार्यक्रम सिद्धार्थ भक्तर जाई फुला मालिका को आपण मानक समस्त स्वागत करुछु। भक्तबंधु आमे माने आलोचना करूथिले 600 वर्ष तले अच्युतंकर से तालपत्र पोथीर लेखा केते सत्य रही से पदरे जहार नाम जाईफुल मालिका। आउ जाईफुल मालिकार महापुरुष अच्युत कहते बाबूरे एभली एक समय आसीब जो समय भेतर कलीजुगे गोटे माँ पांच पांचटी पु थी किंतु से माँ आज उपास दिन काटु थी समय मध्य आखि देख मालिका जहाँ कर्ण न शुणी ताहा शुणब जहाँ आखि न देखी ताहा देख। तेणु महापुरुष जाईफुल मालिकार से पद को लिखिंट से समय आज पहुँची जामे मैने आखि सामनारे प्रति गाँव में दृश्य देखे माँ को बांटुंट पुओ मैने बड़ पुओ बापा को रखी आ सान पु माँ को रखुचे आदि बापा मरी जा माँ टीए बची ये रख छे रख छस पाड़ी कर आखि सामनारे देखुचु आनश्च महापुरुष कौन कहते जाईफुल मालिकार से कथा को आम आलोचना करवा यह मालिकार कौन लिखाई आत्य हो आज जाईफुल मालिका कले पांच पुत्र जन्म करी पांच पुत्र जन्म करी पांच पुत्र जन्म करी पांच पुत्र जन्म करी माजे भुकरे होई बघारी लो जाईफुल बाबू सुनो था जे हेतु करी बाबू सुनो था जे हेतु करी बाबू सुनो था जे हेतु करी बाबू सुनो था जे हेतु करी। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की पांच पुत्र जन्म करी माँ जे भोकरे होइब घारिलो जाई फुल बाबू सुनो था जे हेतु करी पांच पुत्र जन्म करी माँ भोकरे रहिब। महापुरुष अच्युत जाईफुल मालिकार लिखुंत आई घटना आज घटी प्रकृत पेट दरांडु थिला जी आज भोक मरुची सीए माँ आउ प्रकृत पाठ पढ़ाई थिला जी आज अपाठुआ लगे सीए ए मूर्खटा बुढ़ी तुब बारंबार पुओ तागिद करुचे माँ को भारी अपाठुआ है मूर्ख लोक माँ आखिर लुह गड़ी जा ये कटुति बचना बेसी कष्ट लगे संसार को जेहेतु आम अनुभव कले माँ को बेसी कष्ट लगे पुओ कह जेपर्यंत बहु न करी से पर्यंत पुअर जिते कथा माँ को एत कष्ट लगे ना कि बहु पर स्त्री आसवा पर टे माँ को कटुक्ति कह कमे दिंतु बिलकुल कहतु ना जहाँ कहते व्यवहार में शालीनता रखत कहीं बाघर पर स्त्री आसी सारे माँ को प्रत्येक कथा भारी बाधे स्त्री आगरे कहले माँ को खराब कि तेणु सवधान रुंतु माँ आखिरे के लुह दिंतु ना महापुरुष अच्युत आज जाईफुल मालिकारे कहले पंच पुत्र जन्म करी आज माँ कौन कर उपास दिन काटिबो आम्भे माने समस्ते जानिथिले कुआ जाए पांच पुत्र जे मार केऊं दुख आउ ताहार जे माटी पांचटी पिला जन्म करी आउ तार दुख नाही बेली आम्हे जानिछु आउ आम्हे मध्ये ओडिसा माटी रे जन्म होई धन्य होईछु पंच सखांकु पाइछु से भली योग्य पुरुष महापुरुष पंच सखा ओडिशा माटी ओडिशा मार पांचटी पुओ ओडिशा रो दुख कौन किंतु जदि पुओ अजोग्य होई गला सरी गला पाठ कहीं आपण जानिचंती गोटिए नर को उधारिबा पाई पुत्र मनासंती जने आउ पुत्र जदि कुपुत्र हुए कोटी नरक को टाणे पुत्र जदि कुपुत्र होई गला कोटी नरक को आपण जिबे गोटे नर्क रु कौन उधार हाँपाई
झियो को बोझ भाबी पुओ को केवल पुओटी हंता कि पुओटी हंता कि ठाकुर को डाकंतु पुओ केमिति हो तार दीटा झियो गोटे पुओ हे गले गला काम सोइला। अरे इते पुओ काई खोजु छ झियो को पुओ भली भाव झियो एबे कोथिरे भी कम नहंती। आमे अनेक थर मालिका रे हार प्रमाण देइछु जे झियो पुओ भितर आउ तफात किछि रहिबो नाही आउ झियो पुओ ठानो बळी करि काम करि देखैबो। अच्युत एहा को 600 वर्ष तले लिखिथिले। तो आज देखु महापुरुष कहले पांच पुत्र मार हो माँ उपास रुगाब्दी गीतार यार प्रमाण दे अच्युत कौन कहले कहले ये संसार भितर माँ डरी डरी बंचिबो आगे डरवा टे बदली जाइए आगे झील मैने डरुले कि शाशुघर पड़ब एबे सासु माने डरिले केमिति बहु पड़िबो। आउ आज महापुरुष कौन कहिले पिता माता को न पोषिबे भार्या कथारे पड़ी जरा निवास रे पिता को पुत्र दे बेटी छाड़ी गोविंद 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 भज राधे गोविंद 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 भज राधे बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी कि कहले पिता माता को न पोषिबे भार्या कथारे पड़ी भार्या कथारे पड़ी बापा माँ को पोषिबे ना पिला भार्या कह यू भिन्ने जाओ बापा माँ को पोषा कौन दरकार सीए तर बुढ़ा बुढ़ी रुहतु म बुढ़ी भत्ता पाउची से तार चलु ए तू जमी गोटे दिन में 500 टंका को गोटे दिन में तोर अंटू ना बुढ़ा बुढ़ी मसक 500 टंका एवं भत्ता पाइबे कौट अंतिम औषधपत अच्छी भलमंद अच्छी पुओ को जन्म दे कौन यही दुख भोगी बो आसब आड़े चली सवधान तू भी दिने शाशु हबू जो बहु जो कटुक्ति वचन कह शाशु को सवधान आज जो शाशु मान बहु मान कष्ट से मानकन करुच्ची के बहु को बहु नुए बर झीठ अधिक भल पात कहीं आपण परा झी को विदा कर घर अन्त्र परगोत्री कर बहु को घर को आनी तेणु बहु को झीओ भली भावंतु तेणु से झीओर स्थान पूर्ण हो जो झीओ को आपण माने विवाह कर महापुरुष कहले पिता माता न पोषे भार्या कथार पड़ी आउ जरा निवास पिता पुत्र देवेटी छाड़ी जरा निवास छाड़देवे आर्या बोलकरा हो स्वामी मैने पुरुष जाति सिंह किंतु सिंह उपर जत बड़े बसी जाती दुर्गा आ सिंहटा तो विचरा बाहन हो ना तेणु पुरुष कौन कर नारी कथा को मानवाक पड़ो आ महापुरुष कौन कहले आउ कौन घटव कौन कह माँ को कटुक्ति देखु महापुरुष से कथा लिखिंट कौन कहे भिन्ने होई जाओ बोलीण कथा कथारे गाली घरु घरु पुणी सुबीब खाली कांदो गोविंद 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 भज राधे गोविंद 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 भज राधे गोविंद बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी कि महापुरुष कहले भिन्ने होई जाओ बोलीण कथा कथारे गाली करिवे बापा माँ को भिन्ने जाओ न कहीं अलग करी कहू न कहीं तुम हाँ नहीं जाओ तुम्हें चाउल तो मिलूँ तुम्हें से खाओ आरु घर पुणी शुभ कांद बोवाड़ी बापा माँ कांद समस्त घरे शुणा बोली महापुरुष अच्युत कहते जो शास्त्र कही जे पंचपुत्र जो मार क्यों दुख आहार पांचटी पुओ थिला माँ सब आनंद रहे किंतु एबे पांचटी पुओ थिबा माँ उपास रहिबो बोली जाईफुल मालिकारे कहुचंते महापुरुष आज पांच पांचटा पिला किए इंजीनियर किए डाक्तर किए प्रोफेसर पांच पांचटी बंगला हेले गोटे बुढ़ी माँ पई स्थान नहीं माँ पड़ुची पिंढा बारंडार पुणी आता पिंढा बारंडा एमती समय आसीज अच्युत कहुचंत आउ कौन हब गुरुदेव पाद तले पड़ी शिष्य रामदास कहते गुरुदेव आउ कौन लक्षण देखा ये कली शेष बेलें मुते सही कथा टिके कहंतु आगत भविष्यतर कथा गुरुदेव अच्युत कहुचंती बाबूरे आउ कौन घटिबो शुणु कले साजीण साधुंक बेश
साजीण साधुंक बेश साजीण साधुंक बेश साजीण साधुंक बेश ठक बुलुथिबे देश विदेश लो जाई फुल मिथ्या करी कहिबे भविष्य मिथ्या करी कहिबे भविष्य मिथ्या करी कहिबे भविष्य मिथ्या करी कहिबे भविष्य बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की महापुरुष अच्युत कहिले साजीण साधुंक बेश साधुंक बेश साजी अनेक ठक बुलिबे बोली महापुरुष कहिले आउ मिथ्या करी कहिबे भविष्य अनेक मिथ्या करी कहिबे भविष्य को स्वामी आसी पचारिला मोर पुओ हबो ना झियो हबो ये ठक बसला कहला तोर पुओ हबो काहाकु कहिबुनी स्त्री आसी पचारिला कहला अच्छा कौन हबो बाबाजी कहूनाहांती टिके ना तोर झियो हबो काहाकु कहिबुनी किछि दिन परे जो गोटाक तो हेले हबो ना पुओ हबो नले झियो हबो आ जाहु झियो टिए हेला आउ जेमिति झियोटिए हला ये रागी गला कला साधु कहिथले कोडे मोर पुओ हबो देखिला लोक झियो हला जाई पाखरे पहुचि गला स्वामी स्त्री दि जन जा कला आपण कहिथले मोर पुओ हबो बोले काई झियो हला आपण भविष्यवाणी भूल आउ साधु को पुओ पचारिला एपटे मो पुओ हबा कथा कोन झियो हला काई ना तो स्त्री को पचारे ताको कहिछि कि नाही स्त्री कहला हम मते तो कहिथले झियो हबो बोलियो ठीक कथा अरे तू मन दुख करी बोले मु तो कही नथिले किंतु कहिजे कि नाही तो स्त्री के पचारे स्त्री कहला हां आज्ञा मते झियो कहिथले जदि झियो हबा कथा एपटे कहिथिबे स्वामी को सेपटे पुओ हबा कथा कहिबे स्त्री जुआडु देले गोटे हबो अनुमान कि भविष्य गणना करिवे अच्युत कहुचन दे पुनश्च महापुरुष कोन कहिले कले वृक्ष चोरी करी बिकिबे शून्य करी जंगल पशु पक्षी मांस चमड़ा बिकिबे चोर पल गोविंद 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 भज राधे गोविंद 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 भज राधे गोविंद बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की महापुरुष अच्युत कहिले वृक्ष चोरी करी बिकिबे शून्य करी जंगल वृक्ष चोर बाहरिबे बहुत महापुरुष अच्युत कहिले वृक्षरु फल चोरी करिबे आउ अनेक चंदन काठ आपण मानकर पटास वृक्ष जंगली काठ गुड़िक सब बिकि देबे लक्ष लक्ष टंकार कोटि कोटि टंकार जंगल नष्ट करी जंगल माफिया माने बिकिए बोली महापुरुष अच्युत कहुजन वृक्ष चोरी करी बिकिबे शून्य करी जंगल जंगल शून्य होइजिवो आउ वृक्ष गुड़िक सब बिकि आश्रम रे थिबा चंदन काठ चंदन वृक्ष को मध्य बाद पड़िबनी आंब वृक्ष बाद पड़िबनी सब चोर माने भल भल वृक्ष गुड़ाक चोरी करी बिकि देबे सावधान मालिका एठी कहउचंते पुनश्च पशु पक्षी मांस चमड़ा बिकिबे चोर पल पशु पक्षी रो मांस मध्य चोर पल बिकिबे आपण माने देखुचंती गणमाध्यम माध्यम रे खबर कागज पढ़ुचंती बाघ छाल जबत शिकारी जबत आउ 600 वर्ष तले अच्युत कहिले पशु पक्षी मांस चमड़ा बिकिबे चोर पल केते सत्य होइछ चमड़ा बिकिबा सहित कोटि कोटि टंका रे आपण माने टीवी खबर कागज माध्यम रे देखुचंती कोटि कोटि टंका रे वज्रकाप्ता बिक्री होउछि यहाँ को 600 वर्ष तले अच्युत लिखिथिले पशु पक्षी मांस चमड़ा बिकिबे चोर पल आज से ही घटना घटला तेणु पुनश्च महापुरुष कौन कहले आउ कौन घटना घटव अच्युत महापुरुष कहते कहले लगाण वर्षा जे होइब पहाड़ जे धर्षिब गाँ गंडा माटी तलरे पशी होइण जीव गोविंद 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 भज राधे गोविंद 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 भज राधे गोविंद बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की लगाण वर्षा हेबा सहित गाँ गंडा विराट विराट भूस्फलन हबो आउ विराट विराट पहाड़ खसी पड़ी गाँ गंडा को नष्ट करी दबो पहाड़ तले
थिबा गाँ गंडा गुड़िक से पहाड़ तले चापी हो जीव लगाण वर्षा जोगो पूर्वरु आमे खबर कागज माध्यम रे मध्य कथा पढ़ीचे अच्युत 600 वर्ष तले तालपत्र पोथी कथा को लेखिते मालिका केते सत्य विचार आपण मानकर आगो को मध्य घटना घटव तेणु पहाड़ तले थिबा गाँ गंडा मानक मालिका सावधान करुछंती काहेकि ना माटी खसी पड़ब अतड़ा खसब जहाँ को कह आ महापुरुष कौन कहले यही समय आउ कौन घटव लिखि रखतु कौन कहले महापुरुष माटी तलु देवा देवी मूर्ति ठाब हो भिन्न भिन्न स्थान शिव जे पुणी प्रकट हेब गोविंद 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 भज राधे गोविंद 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 भज राधे बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की महापुरुष कहते माटी तलु देवा देवी मूर्ति बाहर अनेक जगार माटी तलु देवा देवी मूर्ति बाहर आउ भिन्न भिन्न स्थान शिवलिंग माटी तलु प्रकटित तो हो से जगार किसी नर नियम खोला कौटी कारखाना खोला कितु से शिवलिंग बाहर एक घटव आउ पुणी प्रकट हो आउ कौन हबो महापुरुष कहले कहले नाना नाम भक्त देण तांकु पूजुण थिबे कली शेष बेले राम जे से आस्थान छाड़िबे गोविंद 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 भज राधे गोविंद 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 भज राधे गोविंद बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की महापुरुष कहते कहले भिन्न भिन्न स्थान रे देवादेवी प्रकट होगा सहित विभिन्न जगार शिवलिंग प्रकट हे आ भक्त मैंने विभिन्न नामकरण दे पूजा करेंगे क्यों जगार ग्राम से स्वयं जात होता हेतु शिवलिंग कौटी ग्रामेश्वर रूप से पूजा पाइबे क्यों ग्राम से धूलीमाटी जन्म होता हेतु लिंग प्रकट धूलेश्वर नाम प्रकटित तो हे से ग्राम अनुसार ग्रामर नाम कदम्बपुर से कदम्ब वृक्ष पाखे प्रकट हेले शिवलिंग कदम्बेश्वर नाम नामित तो हे अनेक नाम शिव प्रकटित तो हो पूजा पाइबे किंतु कली शेष बेले से आस्थान छाड़ा कथा महापुरुष कहते शून्य हो शिवलिंग महापुरुष अच्युत एक कथा कहते आपण लिखि रखतु जो थे अद्भुत कथार वर्णना कर शिष्य रामदास गुरु अच्युत कहते आउ बाबू रे कलीजुगर आउ कौन घटना घटव शुण मो ठार महापुरुष अच्युत कौन कहले कहले ज्ञानी गुणी लोक मरिबे अज्ञानी जे थिबे ज्ञानी अज्ञानी को देखिण दूर बाट काटिबे गोविंद 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 भज राधे गोविंद 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 भज राधे बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की कहले ज्ञानी गुणी लोक मरिबे अज्ञानी जे थिबे अज्ञानी माने थिबे किंतु ज्ञानी गुणी लोक मरी जाउथिबे आउ ज्ञानी अज्ञानी को देखिण बाट काटिबे गोटे गोटे जगार आपण मध्य ए परीक्षा करिछन गोटे अज्ञानी लोकटी आसुथियो मूर्ख लोकटा मद टिके पीछ आपण को देखिले जमा छाड़ब ना कुआडू कुआडू गपिब जे ता ठीक ना आउ एबे तो जो समय आसला मनीष वृथा गपरे मातिबो राजनीति कथाटु आरंभ करी जेकोनसी कथार शेष आउ नाही खाली वृथा कथा किंतु प्रभु कथा जोटी हबो संगे संगे उठिकी पळे जीव प्रतिदिन गाँ मंदिर रे भागवत पाठ हुए से जगार आठ दस जन बस आखड़ा करूबे जेमती आमर भागवत आरंभ हम से कह बाबा आपण तो भागवत पढ़वे आम जाऊ जमी भागवत सहित तो पड़े ना करेन्ट माइला भाया लगे सांगे सांगे बस कि घंटाटे गपुदे जब भागवत न पढ़ा आहरी घंटाटे गपेबे यही भाव लोकंर मानसिकता जहाँ अच्छा कहे ज्ञानी मैंने अज्ञानी लोक मान देखी बाट काट आईलार पुलाई गपिब मूर्खटा तेणु बाट काटिकी पलिजे आउ महापुरुष कहले अनेक सरल लोक जन्म हे कली जुगरे देखता आम एक कथा कहून कौन हम महापुरुष अच्युत कहते कौन कहले
ଲୋକ ସରଳ ବିଶ୍ୱାସୀଙ୍କୁ ଠକିବେ। ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ କହିଲେ, ସରଳ ବିଶ୍ୱାସୀ ଜନଙ୍କୁ ଠକ ଠକୁଣ ଥିବେ, ସୁଯୋଗ ଉଣ୍ଡିଣ ବାବୁରେ ଜୀବନରୁ ମାରିବେ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଭଜ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଭଜ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଜୀ କି। ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତ କହିଲେ, ସରଳ ବିଶ୍ୱାସୀ ଜନଙ୍କୁ ଠକ ମାନେ ଠକିବେ, ଆଉ ସୁଯୋଗ ଉଣ୍ଡିଣ ବାବୁରେ ଜୀବନରୁ ମାରିବେ। ଖାଲି ସେମାନେ ସୁଯୋଗ ଉଣ୍ଡୁଥିବେ, ଆଉ ସରଳ ବିଶ୍ୱାସୀ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଠକୁଥିବେ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଅକ୍ଷରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଟ୍ରେନରେ, ଅପରିଚିତ ଲୋକଠାରୁ କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ ଛୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହିଁକି ଲେଖା ହେଇଛି ଏଡ଼େ ବଡ଼ କଥା? ଜଣେ ଜଣଙ୍କୁ ତାମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଜଣେ ଜଣେ ଭୋକରେ ଅଛି, ଆଉ ଜଣେ ପୁଳାଏ ଖାଇବା ମଗେଇଛି, ଯଦି ବଳିଲା କ'ଣ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ? ନା, କାହିଁକି ନା ସରଳ ଲୋକଙ୍କର ଅନେକ ଲୋକ ଠକିବେ, ଆଉ ବିଶ୍ୱାସରେ ବିଷ ଦେବେ। ତେଣୁ କିଏ କହିପାରେ, କାହିଁକି ନା କଳିଯୁଗରେ ଭଲ ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ଆଉ ଖରାପ ସଂଖ୍ୟା ମାତ୍ରାଧିକ ବୃଦ୍ଧି ହେତୁ ଇଏ ପଦ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଜି ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଷ୍ଟେସନରେ ଉଠିଲା, ତା ହାବଭାବକୁ ଗୋଟେ ଚୋର ମାର୍କ କରୁଛି, ଠକ ମାର୍କ କରୁଛି, ସେ ବସିଲା। କିଛି ସମୟ ଯେମିତି ଗଲା, ଲୋକଟି କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ? ନା ମୁଁ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଯିବି। ନା ହଁ, ଆପଣଙ୍କ ମହାଭାଗ୍ୟ, ଟିକେ ପୁରୀ ଭୋଗ ଆଣିଥିଲି, ଟିକେ ଖାଇଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ କହିବେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସବୁ ନିନ୍ଦିବି, କୈବଲ୍ୟ ନିନ୍ଦିବୁନି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଭୋଗ ଖାଇଲା, ଭୋଗ ଖାଇଲା ତ ଶୋଇଛି ଆଉ, ତା ସୁନା ଚେନ୍, ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ସବୁ ନେଇକି ଛୁ। ଆଉ ଭଲ ଲୋକ ଯିଏ ପୁରୀରୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫେରିଥବ ଏ ଘଟଣା ପରେ, ଆଉ ମହାପ୍ରସାଦ ଯାଚିଲେ ଆପଣ ଛୁଇଁବେ? କହିବେ, ଇଲୋ ଗୋପାଲ, ମୋ ଚେନ୍ ମୋବାଇଲ ଲୁଟ୍ ହେବାର ଦରକାର ନାହିଁ କି, ମୋ ମହାପ୍ରସାଦକୁ ଏଇଠି ମୁଁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଦେଉଛି। ତେଣୁ ଜଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ତୁଟିଯିବ। ଅନେକ ଆଣି ଆଟା ଯେ ଥୋଇଦେବେ, କହିବେ ଆଜ୍ଞା ଏଇଠି ଟିକେ ଜଗିଥାନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଉଠୁ ଆସୁଛି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଥାନାବାଲା ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବେ, କହିବେ ଆଟା ଯେ ତୋର ନା? ନା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, କିଏ ଗୋଟେ ଥୋଇଗଲେ? ନା ଏକ ମିଛ କହୁଛୁ, ଆଟା ଯେ ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ତା ଦେହରେ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର, ତା ଦେହରେ ଚରସ ଥବ, ଗଞ୍ଜେଇ ଥବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଥାନାବାଲା ବାନ୍ଧିକି ନେବେ। ଆପଣ ଯେତେ କହିଲେ ଆଉ ମାନିବେ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା କଳିଯୁଗରେ କୋର୍ଟ ଚାହିଁ ପ୍ରମାଣ। ସେଦିନ ମଇଁଷିଟିଏ ଦୌଡ଼ୁଛି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ, ଠେକୁଆଟିଏ ତାକୁ ଅଟକିକି ପଚାରିଲା, କହିଲା, ଆରେ ମଇଁଷି ଭାଇ, ତୁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଏତେ ଜୋରରେ କାହିଁକି ଡର ଦୌଡ଼ୁଛୁ? ନା, ଗୋଟେ ହାତୀଟେ ଗାଁରେ ପଶି ଅନେକ ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରିଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ। ନା ରେ, ହାତୀକୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ, ତୁ ମଇଁଷିଟା କାହିଁ ଦୌଡ଼ୁଛୁ? ମଇଁଷି କହିଲା, ସେଇ ତ କଥା, କାହିଁକିନା ମୋତେ ମାନେ ଧରିକି ନେଇଯିବେ, ଆଉ ମୁଁ ହାତୀ ନୁହେଁ ମଇଁଷି ବୋଲି ଅନେକ ପ୍ରମାଣ ଦଉ 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 ମୋର ଆୟୁଷ ସରିଯିବ, ମୁଁ ମରିଯିବି, ତା ଅପେକ୍ଷା ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଯିବା ବରଂ ଭଲ। କାହିଁକିନା ଇଏ ଥାନା କୋର୍ଟ କଚେରୀ କେବଳ ପ୍ରମାଣ ଖୋଜୁଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଥିବା ଲୋକକୁ ଉଠେଇବାକୁ ଲୋକ ନାରାଜ। କିଏ ସେ ଏତେ ଝାମେଲାରେ ପଶିବ, କିଏ ଏତେ ପ୍ରମାଣ ଦେବ ମୁଁ ଦୋଷୀ ନୁହଁ ବୋଲି? ମଇଁଷି ଦୌଡ଼ୁଛି କାହିଁକିନା ହାତୀ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ ଦେବା ପାଇଁ ତାକୁ ଜୀବନ ବିତିଯିବ। ଆଉ ମହାପୁରୁଷ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ଲୋକ ସୁଯୋଗ ଖୋଜିଣ, ସେମାନେ ସରଳ ଲୋକକୁ ଠକିବେ। ପୁନଶ୍ଚ ମହାପୁରୁଷ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟତର କଥା ଆମେମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ନୁହେଁ, ସମୟର ସଙ୍କେତ ମିଳିଲାଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ବିଦାୟ ନେବାର। ଦୁଇବାର ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିବା, ବାଣୀକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ମହାପୁରୁଷ ଯାହା ମାଳିକାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆମ୍ଭେମାନେ ସେହି କଥାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ତ ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି ଦୁଇବାର ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିବା, ବାଣୀକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବା। ଜୟ ରାଧେ 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 ଜୟ ଅଚ୍ୟୁତ ଅନନ୍ତ ହରି, ଜୟ ରାଧେ 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 ଜୟ ଅଚ୍ୟୁତ ଅନନ୍ତ ହରି, ସେଇ ନାମ ଭଜି ମଜି ଭବ ସାଗର ହୋଇବା ପାରି, ସେଇ ନାମ ଭଜି ମଜି ଭବ ସାଗର ହୋଇବା ପାରି ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଜୀ କି।